अब तक आपने सीखा टेंस और मोडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। जब हम लेट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने की बात करते हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेट का यूज तीन अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में होता है। पहला टेंस के सेंटेंसेस में, दूसरा मोडल वर्ब्स जिन सेंटेंसेस में हो उनमें, और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यानी आज्ञा सूचक वाक्यों में। अच्छा, इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि लेट के वीडियो लेक्चर को आपने देखा है। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आप ये समझ पाए कि लेट का यूज एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में किस तरह से होता है। क्योंकि पहले आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में लेट का यूज पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको पैसे बना पाएंगे। और अगर आपको वाकई में पता है कि लेट का यूज किस तरह से हो रहा है तो आपको इन सेंटेंसेस के मीनिंग पहले से पता होने चाहिए। ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है। शी डजंट लेट मी रीड द बुक, वो मुझे किताब नहीं पढ़ने देती। आई वॉन्ट लेट यू डू इट, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। वोंट, विल नॉट, विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन है ना वोंट। आई वॉन्ट लेट यू डू इट, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। यू शुड लेट हिम गो, क्या मतलब है सेंटेंस का? आपको उसे जाने देना चाहिए। I can let you play, मैं आपको खेलने दे सकता हूं। He should have let you do what he wanted to, उसे आपको क्या करने देना चाहिए था? उसे आपको करने देना चाहिए था जो you wanted to, आप करना चाहते थे। Imperative sentences में let का use इस तरह से होता है, let me play, मुझे खेलने दो, let him come, उसे आने दो, let Ravi speak, रवि को बोलने दो, don't let him go home, उसे घर मत जाने दो। तो कुल मिलाकर लेट का यूज एक्टिव वॉइस में इस तरह से होता है। आज के वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस को मॉडल वर्ब्स टेंसेस के साथ में जहां पर लेट का यूज हो रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को पहले एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा अलग से सीखने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। सेंटेंस नंबर वन, ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं? इज, एम, आर। याद है आपको चार्ट में क्या बताया था मैंने आपको? इज, एम, आर का यूज करते हैं आप पैसिव वॉइस में। तो कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे? यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, ये यहां पर आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा आई, ठीक है। इज एम आर किसका यूज करें? आई के साथ आप यूज करते हैं एम, आई एम। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। इस सेंटेंस में अगर आपने लेट के वीडियो लेक्चर को देखा है तो आप ये जानते हैं कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब है लेट, ना कि गो। गो तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब है, ये है मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और लेट की तीनों फॉर्म्स होती हैं लेट। आई एम लेट, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है? ये तो यहां आ गया एम लेट। इसके तुरंत बाद लेट के सेंटेंसेस में आप हमेशा याद रखें, जब भी लेट का यूज सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली कोई भी वर्ब हो, हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो पैसिव वॉइस में भी ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में आने वाली एक वर्ब है, इसका रोल कोई थर्ड फॉर्म वाला नहीं है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है। थर्ड फॉर्म सिर्फ ये है, और चूंकि लेट की तो हर फॉर्म लेट होती है, लेट लेट लेट, इसलिए आपको थोड़ा ऑड लगता है, आप सोचते हैं कि कहीं ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। नहीं, ये थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में। आई एम लेट गो, मुझे जाने दिया जाता है। किसके द्वारा? उसके द्वारा। आई एम लेट गो होम, मुझे घर जाने दिया जाता है बाय हिम। अभी आप देखते जाइए, आपको समझ में आएगा। सेंटेंस नंबर टू, शी डिडंट लेट मी रीड द बुक, उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी। उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी, कौन सा टेंस है ये?
किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इनडेफिनेट टेंस। पास्ट इनडेफिनेट टेंस के पैसे में कौन सी वर्ब का यूज होता है? वॉज, वर्ब का यूज। चार्ट में बताया था मैंने आपको, एक्टिव में डिड और पैसे में वॉज या फिर वर्ब। अब इस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसे में चेंज करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने नहीं करने दिया, किसे नहीं करने दिया? कौन सा काम पहले तो? पढ़ने का काम। किसे नहीं करने दिया? किसे? मुझे। इसलिए मैं हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई। अब आपने देखा ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, वॉज या वर में से किसका यूज करेंगे? आई के साथ वॉज यूज होता है या वर यूज होता है? वॉज यूज होता है। आई वॉज नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज, लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, आई वॉज नॉट लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब एज इट इज, रीड द बुक बाय होम, किसके द्वारा? बाय हर, शी बन जाता है हर जब ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। ये सेंटेंस था, शी डिडंट लेट मी रीड द बुक, उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी। और ये सेंटेंस है, आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाय हर, मुझे किताब नहीं पढ़ने दी गई। तो अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आए, आपसे कोई कहे कि बनाओ, मुझे पढ़ने नहीं दिया गया, आई वॉज नॉट लेट रीड, यहां तक बनेगा, मुझे किताब नहीं पढ़ने दी गई, आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक, मुझे उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ने दी गई, तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाय हर। इस सेंटेंस में यू शुड लेट हिम डू इट, आपको उसे ये करने देना चाहिए, करने देना, पढ़ने देना, जाने देना, इसी तरह से तो सेंस को समझते हैं ना। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है उसे, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। और शुड, ये जो मॉडल वर्ब जहां पर आती है, ऐसे सेंटेंसेस को जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, शुड के बाद क्या यूज होगा? बी। क्यों यूज होगा? क्योंकि शुड एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसके साथ सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ही शुड बी, उसके बाद सेंटेंस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट की थर्ड फॉर्म लेट होती है, ही शुड बी लेट। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में आने वाली वर्ब एज इट इज। अब देखिए, ही शुड बी लेट डू इट, उसे ये करने दिया जाना चाहिए, ये सेंस है, उसे ये करने दिया जाना चाहिए। ही शुड बी लेट डू इट बाय किसके द्वारा? आपके द्वारा। सेंटेंस नंबर 4, आई वॉन्ट लेट यू मीट अमन, मैं आपको अमन से नहीं मिलने दूंगा। वॉन्ट यानी कि विल नॉट, मैं आपको अमन से नहीं मिलने दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं वो है विल बी, जबकि एक्टिव वॉइस में आप विल का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, यू यहां पर आएगा सब्जेक्ट में। आप जानते हैं कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट में आए चाहे ऑब्जेक्ट में हमेशा रहता है यू। अब विल बी आना है, ठीक है, लेकिन विल नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, और आप जानते हैं कि विल बी के बीच में नॉट आता है, यू विल नॉट बी। उसके बाद जो भी मेन वर्ब है सेंटेंस की, लेट, उसकी थर्ड फॉर्म, लेट मीट अमन, मीट अमन बाय मी, आई क्या बन जाएगा? मी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्वर्सेशंस में जनरली इतना ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि एक्टिव से पैसे में चेंज कर रहे हैं। जनरली सेंटेंस इतना बोला जाता है, कैसे? आपको अमन से मिलने नहीं दिया जाएगा, यूल नॉट बी लेट मीट अमन, यूल नॉट बी लेट मीट अमन, इतना। लेकिन एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का हमें ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर 5, शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में आप ये जानते हैं, चार्ट में आपको मैंने बताया है, इज एम आर ही आएगा पैसिव में भी, लेकिन उसके साथ में बीइंग का यूज जरूर होगा। यहां पर मी
ये बन गया आपका सब्जेक्ट आई। आई के साथ आप क्या यूज करते हैं, एम। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नॉट तो यूज करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा बीइंग। अच्छा, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है लेट, लेट की थर्ड फॉर्म होती है लेट। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी, अब इसका क्या मतलब है, केवल इतने का क्या मतलब है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हर। सिंपल सेंटेंस नंबर 6, व्हाई डू नॉट लेट हिम कम होम, आप उसे घर क्यों नहीं आने देते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में जब आप इसे चेंज करेंगे तो इज, एम या आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर तो एज इट इज रहेगी, वाई। यहां पर आप इज, एम, आर किसका यूज करें ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट ही, ही के साथ आप यूज करते हैं इज। व्हाई इज ही नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज लेट। व्हाई इज ही नॉट लेट कम होम, उसे घर क्यों नहीं आने दिया जाता, बाय यू। इस तरह से आप इसका पैसिव बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड लेट मी अटेंड द क्लास दैट डे, उसने उस दिन मुझे क्लास अटेंड करने दिया था, या अटेंड करने दी थी उसने मुझे उस दिन क्लास। तो करने दी थी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैड का यूज हो रहा है, पैसिव वॉइस में आप हैड बीन का यूज करेंगे। मुझे, मैं हूं ऑब्जेक्ट, यहां पर बन जाऊंगा सब्जेक्ट। आई हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज लेट रहेगी, लेट की तो सारी फॉर्म्स लेट होती हैं। आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे, मुझे उस दिन क्लास अटेंड करने दिया गया था, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हर। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, He shouldn't have let you play all the time. He shouldn't have let you play all the time. उसे आपको पूरे दिन, all the time, हर समय खेलने नहीं देना चाहिए था। चाहिए था के लिए आप should have का यूज करते हैं, और जब पैसे वॉइस में आप इन सेंटेंसेस को बनाते हैं तो आप यूज करते हैं should have been का। सही है ना, should have been का यूज करते हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है। You shouldn't have been, अब नेगेटिव है सेंटेंस तो नेगेटिव तो रहेगा। यू शुडंट हैव बीन, लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट, लेट प्ले ऑल द टाइम। अब इस सेंटेंस क्या हो गया, यू शुडंट हैव बीन लेट प्ले ऑल द टाइम, आपको पूरे दिन खेलने नहीं दिया जाना चाहिए था, बाय हिम, उसके द्वारा, बाय हिम। सेंटेंस नंबर 9, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क, आप उसे कब कब पार्क जाने देते हो। कब कब के लिए आप हाउ ऑफन का यूज करते हैं, ये बात डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के वीडियो में बताई जा चुकी है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। ऐसे टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। जैसे यहां पर आपने किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर है, एज इट इज रहेगा। हाउ ऑफन, कितना अक्सर, यानी कब कब। ही यहां आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर के तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इज, एम, आर किसका यूज करें, ही यहां आएगा, ही के हिसाब से यहां पर इज का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट बन गया ही, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट एज इट इज रहेगा, गो टू पार्क। क्या मतलब इसका, हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क, उसे कब कब पार्क जाने दिया जाता है, दिया जाता है। ताते ती के साथ है हो हूं, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का फॉर्मेशन है। हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क, बाय यू, आपके द्वारा, आपके द्वारा उसे कब कब पार्क जाने दिया जाता है। सेंटेंस नंबर 10, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज,
सबसे पहले तो ये पहचानिए कि सेंटेंस का मतलब क्या है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहां पर एस लगता, लेकिन नहीं है। अगर ये परफेक्ट टेंस का होता तो हैज, हैव या हैड का यूज होता। अगर ये फ्यूचर का होता तो विल का यूज होता। ये है पास्ट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट होती है ना, ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब वॉस या वर्ब का यूज करते हैं। मेरे भाई ने मुझे ताजमहल विजिट नहीं करने दिया, कभी नहीं करने दिया। पैसिव में बनाएंगे तो क्या सेंस आएगा, मुझे ताजमहल विजिट कभी नहीं करने दिया गया मेरे भाई के द्वारा। तो मुझे ताजमहल विजिट कभी नहीं करने दिया गया। आई वॉज, आई के साथ क्या आएगा, वॉज। I was never, let की थर्ड फॉर्म let as it is, I was never let visit the Taj, किसके द्वारा, by my brother। तो इस तरह से आपने 10 sentences को active से passive में change किया, जहां पर let का use हो रहा था। अब मैं कुछ sentences आपके सामने रखता हूं, इन sentences को आपको passive voice में change करना है और इनको इस video के comments में लिखना है। वैसे इन सभी सेंटेंसेस को मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करके spokenenglish.guru में जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आर्टिकल है उसमें अपडेट कर दिया है, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक्टिव पैसिव वॉइस के अगले पार्ट में, जहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। Thank you so much for watching this video guys. See you in the next video lecture. Take care. Goodbye.